पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस हसास इदारे के सेफ हाउस में रहती थी, अस्करी क्यादत के साथ उनके ताल्लुकात थे और फिर उनको सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के साथ मिलवाया जाता था और उनकी वीडियोस बनवाई जाती थी और इन्हीं वीडियोस की बुनियाद पर उन खास शख्सियात को बाद में ब्लैकमेल किया जाता था। जी हाँ, इस वक्त ये इंतहाई संगीन इल्ज़ाम हैं जो हमारी कुछ जो टॉप की अदाकाराएँ हैं उन पर लगे हैं और मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हुआ है, एक हंगामा है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर तरफ इन्हीं अदाकाराओं की बात चल रही है, इन्हीं इल्ज़ामात की बात चल रही है और मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहता था लेकिन अब ये बात इतनी खुल चुकी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और उससे भी बढ़कर जो अदाकाराएँ हैं जिन पर ये इल्ज़ामात लगे हैं अब उन्होंने भी ओपनली इन इल्ज़ामात का जवाब देना शुरू कर दिया है और बताया है कि क्या अस्करी क़यादत के साथ उस वक़्त की जो अब रिटायर्ड हो चुकी है क्या उनके वाक़ेतन ताल्लुकात थे या फिर ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो जो तमाम हकीकत है कि कौन सी अदाकाराएँ थी, किस हसास इदारे के सेफ हाउस में रहती थी, कौन सी अहम क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात थे, उन्हें किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये तमाम जो अंदरूनी कहानी है आज के इस स्पेशल वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो नाजरीन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं जो कि शोबिस का और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसके हवाले से है। ये माशाल्लाह का ज़माना था, एक मरूफ अदाकारा है तराना उस वक्त हुआ करती थी, काफ़ी मरूफ अदाकारा थी और उनके हवाले से मुख्तलिफ किस्से थे कि उनके मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जो हैं वो ताल्लुकात हैं। तो ऐवान सदर में उस वक्त उन्हें बुलाया गया और जो जनरल साहब उस वक्त सदर थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और जब वो मुलाकात करके कुछ वक्त उनके साथ गुजार के बाहर आई तो जो गेट पर फौजी अफसर खड़ा था, ड्यूटी पर मामूर था, उसने जब उनकी गाड़ी तराना की निकल रही थी तो उसको सल्यूट किया। अब तराना इस बात पर बहुत हैरान हुई और उन्हें तजस्सुस हुआ कि जब मैं अंदर जा रही थी तो इस फौजी अफसर ने मुझे सल्यूट नहीं किया लेकिन अब जब मैं बाहर निकली हूँ तो इस फौजी अफसर ने मुझे सल्यूट क्यों किया है। तो इस तजस्सुस में उससे रहा ना गया और उसने बिलाखिर उस फौजी अफसर से पूछ ही लिया कि जब मैं अंदर जा रही थी तो तुम बिल्कुल नॉर्मल थे, तुमने कोई सल्यूट नहीं किया लेकिन अब जब मैं बाहर आई हूँ तो तुमने मुझे सल्यूट क्यों किया है। तो उस फौजी अफसर ने जवाब दिया कि जब आप अंदर जा रही थी तो आप सिर्फ तराना थी लेकिन अब जब आप हमारे सदर के साथ, जनरल साहब के साथ वक्त गुजार के बाहर आ रही हैं तो अब आप कौमी तराना बन चुकी हैं, तो कौमी तराने को सल्यूट करना जो है वो हमारा फ़र्ज है। तो मुद्दा ये है कि माजी में शोबिस के शोबिस की जो अदाकाराएँ हैं उनके सियासतदानों के साथ उस वक्त की अस्करी क़यादत के साथ जो बाद में सियासत में आई, सदर बनी, उसके साथ ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं हैं, ये हकायक हैं, ये किताबों में छपे हुए हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं और जिन अदाकाराओं के ऊपर लग रहे हैं ये बहुत ही मशकूक चीज़ें हैं और इस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। अब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जो हैं जो इस वक्त यूरोप में बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठकर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिससे पाकिस्तान में हंगामा खड़ा हो जाता है, हमारी अस्करी क़यादत जो है वो बदनाम होती है और जो सबूत हैं, जो एविडेंसेज हैं वो कभी सामने नहीं आते। तो इस वक्त जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि जो हमारी टॉप की चार अदाकाराएँ हैं जिनमें महविश हयात हैं, सजल अली हैं, कुबरा खान है और माहिरा खान है, ये जो चार अदाकाराएँ हैं ये जो हमारा हसास इदारा है उसके सेफ हाउस में रहती थी और वहाँ पर इनके ना सिर्फ उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उसके साथ ताल्लुकात थे, रूटीन में मामूल के मुताबिक उससे मिलती थी, ताल्लुकात कायम किए हुए थे इन अदाकाराओं ने, बल्कि इन्हीं अदाकाराओं को सियासतदानों और दीगर अहम शख्सियात के खिलाफ ब्लैकमेलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन अदाकाराओं के ताल्लुकात बनवाए जाते थे सियासतदानों और दीगर लोगों के साथ और फिर उन्हीं सेफ हाउसेज में जब वो मिलते थे या कहीं और जगह पर तो फिर उनकी वीडियोस बनवाई जाती थी और उन्हीं वीडियोस की बुनियाद पर फिर आगे उन शख्सियात को ब्लैकमेल किया जाता था। तो ये संगीन इल्ज़ामात आदिल राजा ने लगाए और जब से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है।
बहुत कम लोग हैं जो इस जो कि ख़ास सियासी जमात का हिस्सा हैं, या अगर सियासी जमात इसके पीछे नहीं भी है तो वो जो ग्रुप है जो हमेशा से हमारी अस्करी क़यादत को बदनाम करने के पीछे लगा रहा है। अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आप स्क्रीन पर देखें, एक साहब लिखते हैं जी, जब महविश हयात को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला तब पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मुझ समेत हज़ारों हैरान थे कि आखिर इनकी किस हुस्न कारकर्दगी की बुनियाद पर यह फैसला हुआ। अब वो हैरत कम अज़ कम रफा हो गई है। इसके अलावा आप ये पोस्टर देखें, कर्नल माहिरा खान, मेजर महविश हयात वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी शेयर हो रही हैं। इसके अगर आप आगे चलें तो दीगर अहम ये पोस्टर आपको नज़र आएंगे, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये तंजियन लोग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदर राजा के इल्ज़ाम सच हैं। और आप देखिए कि जो siyasat.pk है, जो कि एक बड़ा इदारा है, उसने भी आदर राजा की चीज़ को कोट किया और आखिर में लिखा है कि किस तरह से सेफ हाउसेज में टॉप मॉडल्स रहती थी, और जो आदर राजा ने बात किया उसको ये भी कोट कर रहे हैं। अब ये चंद लोग हैं जो बदनाम करने पर तुलवे में बहुत सारे लोग जो हैं वो इन इल्ज़ाम को रद्द कर रहे हैं और आदर राजा पर तनकीद कर रहे हैं। अब देखें, इस साहब ने लिखा है कि सो मच बींग स्प्रेड अबाउट दीज गर्ल्स एंड रिसेंट COS विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ। वो कह रहा है कि और उसके आगे वो लिखता है कि किस तरह बगैर सबूतों के चीज़ें लिखी गई हैं। ये सनाउल्ला महसूद हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है इस चीज़ के ऊपर जो शेयर हुई हैं और जो लोग बिलीव कर रहे हैं इस पैथेटिक और सुडो जो एनालिस्ट है आदिल राजा। चीज़ें जो हैं वो सबूतों के साथ सामने आनी चाहिए, ना कि इस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाने चाहिए। तो बहुत सारे लोग इनको तनकीद भी कर रहे हैं। और देखें, जो ये अदा कराए हैं जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं, इन सब ने जो है वो जो आर्मी के ड्रामे बनते हैं या दीगर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काम किया हुआ है। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि जी अगर इन्होंने काम किया तो वाकईतन फिर इनके ताल्लुकात होंगे। तो बात ये है कि आप इल्ज़ाम अगर लगा रहे हैं तो आप सबूत भी सामने जो है वो लेकर आइए। अब इससे बढ़कर जो है वो जो अदाकराएं हैं जिन पर इल्ज़ाम लगे हैं उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। अगर सज्जल अली के बारे में आपको बताऊं तो सज्जल अली ने इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि इट इज़ वेरी सैड दैट आर कंट्री इज बिकमिंग मॉरली डिबेस्ड एंड अगली, करेक्टर असैसिनेशन इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिन। वो कहती हैं कि हमारा मुल्क में ये गंद फैलता जा रहा है और ये बहुत बड़ा गुनाह है जो इस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इंसानियत की तजलील की जाती है। और अभी रिसेंटली कुछ ही देर पहले जो कुबरा खान है उन्होंने भी जवाब दिया है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी शेयर की और आदिल राजा के इन इल्ज़ाम का जवाब दिया है। कुबरा खान ये लिखती हैं कि बस कि मैं काफ़ी देर जो है वो खामोश रही और इन फेक वीडियोस के बारे में सोचती रही, लेकिन अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अगर आपको लगता है कि कोई रैंडम चीज़ पर इस तरह करके मुझ पर आप उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठूंगी तो ऐसा नहीं होगा। तो मिस्टर आदिल राजा, आप जो हैं इन इल्ज़ाम की तरदीद करें, अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त करें, और अगर आप नहीं करते, उन्होंने टाइम भी उनको दिया है, अगर 3 दिन का टाइम दिया, अगर आप 3 दिन में अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करते तो फिर मैं आप पर डेफिमेशन का केस करूंगी और सच सामने आएगा और मैं हक पर हूं और मैं सच पर हूं। तो सज्जल अली ने भी इस पर अपना रिएक्ट किया है और कुबरा खान ने भी अपना जवाब दे दिया है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि माजी में चीज़ें होती रही हैं और वो हकायक ऐसे हैं, लेकिन अब जब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इतनी बड़ी अदाकराओं पर लगा रहे हैं तो आपको सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप यूरोप में बैठकर एक वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर बदनामी होती है, और आप देखें इन्हीं वीडियोस को, इन्हीं चीज़ों को जो भारतीय मीडिया है वो इस्तेमाल करता है और हमारी अस्करी क़यादत को बदनाम करता है, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो सबूतों के साथ सामने आएँ और इस तरह जो गंद है वो उसको ना फैलाएँ, और ये इंतहाई शर्मनाक है। और बिल्कुल कुबरा खान को कार्रवाई भी करनी चाहिए और डेफिमेशन का आदिल राजा पर केस करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो उन्होंने बदनामी की है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए।